दोस्तों, अगर आप लोग मॉडल 3 फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल 3 फिल्म के बारे में। और दोस्तों आप लोग को बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी ने कितनी कमाई किया था 2013 में रिलीज होने के बाद, और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों मूवी की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे दोस्तों ये फिल्म आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ रोमांटिक फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों इस फिल्म में पहले कौन से स्टार कास्ट को लिया गया था, उसके बाद दोस्तों चेंज करके क्यों रणदीप हुड्डा को लिया गया इस फिल्म के अंदर, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मॉडल 3 फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रूपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रूपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइने थी। सबसे पहला नाम आता है अदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया, और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। अदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मॉडल 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मॉडल फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है, और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मॉडल 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है, और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मॉडल 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में, और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए
आदित्य राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है, जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है, क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवाद सब फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है। तब ये विवाह की संस्था में थी, जिसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मुई की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा मर्डर 3 एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर 3 यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर 3 में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है, जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते हैं उस वीडियो के बाद। एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीषा सेन गुप्ता सारा लोरेंस से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है, जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है, जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ जुड़े संबंधों से ईश्वर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है, क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया जब वह तय करती है कि उसके जो है पास इनकी पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को।
इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है, क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है। और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है, वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खोज सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है, लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ वह छवियों वाला एक पैकेज देते हैं, तो वह दरवाजा खोलने और रोशनी की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है, तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है, जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें है, जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है। और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है, जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है, क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है, जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर टू फिल्म के बारे में हम बात कर ले, तो मर्डर टू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है, जो पूर्व पुलिस अधिकारी है, जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है, जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है, लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया, जो वास्तव में एक यहाँ पे मनरोगी हत्यारा है, जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है, जबकि धीरज जेल में है, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था, लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है, जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनकी स्वरूप से अनजान थे, धीरज धारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है, जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है, जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है
और धृतराष्ट्र जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डिलीट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उसे टेप को बजाता है इसे उसने रिकॉर्डिंग किया था जब वो रेशमा को पर्दा डिलीट करता था, तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रोकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिखताव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर 2 फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाल ही दिल गाने वाले दृश्यों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे इसी के साथ दोस्तों बता दें मर्डर 2 फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टारकास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मलिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल जो मलिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो है संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मातृ यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो है संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ हुए सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है की पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की
चीजों सिमरन जो सुधीर की सभी चीजों के बीच अपनी और शनि की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि शनि के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। इस स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पे लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है यानी कि शमशान घाट भी ले जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहां सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीठ में गोली मार दी जाती है, जो कि समय पर पहुंच जाता है। और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5/3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइने थी। सबसे पहला नाम आता है आदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। आदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया।
फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए आदित्य राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है, क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवादास्पद फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है। तब ये विवाह की संस्था में थी, इसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मूवी की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए हैं और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा मर्डर 3 एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर 3 यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर 3 में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है, जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते उस वीडियो के बाद एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीषा सेन गुप्ता सारा लोरेंस से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है, जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है, हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि
विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ जुड़े संबंधों से इशारा करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है, क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया, जब वह तय करती है कि उसके जो है पास इनकी पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है, क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है। और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है, वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खो सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है, लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और उसने की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें है जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है। और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर ट्रू फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर ट्रू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है जो पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपने जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है, लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया जो वास्तव में एक यहाँ पे मनरोगी हत्यारा है जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है, जबकि धीरज जेल में है क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था लेकिन वह भागने में सफल रही।
अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे, धीरज धारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है, जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डिलीट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उसे टेप को बजाता है जिसे उसने रिकॉर्डिंग किया था। जब वो रेशमा को पर्दा डिलीट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रोकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिकताव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर 2 फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाल ही दिल गाने वाले दर्शकों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे इसी के साथ दोस्तों बता दें मर्डर 2 फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टार कास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मलिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल जो मलिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो है संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मात्र यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ जो है राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है।
वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो संबंधित तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ जो सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है की पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। इस स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पर लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है कि शमशान घाट भी जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहाँ सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीट में गोली मार दी जाती है, जो कि समय पर पहुंच जाता है और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5/3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइने थी। सबसे पहला नाम आता है आदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। आदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का।
दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर थ्री फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर थ्री फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात करें तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए आदित्य राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर थ्री 2013 की उनकी 1983 की विवादास्पद फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है। तब ये विवाह की संस्था में थी, इसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर थ्री प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला क्योंकि मर्डर थ्री को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर थ्री विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखें। जिसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर थ्री फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मुई की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा मर्डर थ्री एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर थ्री यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर थ्री में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेंज यू फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म।
जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते हैं उस वीडियो के बाद। एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीशा सेन गुप्ता सारा लोरेन से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है, जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ हुए संबंधों से किशर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है, क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया, जब वह तय करती है कि उसके जो है पास इनके पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है, क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है। और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है, वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खो सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है, लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और रोशनी की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है, जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें हैं जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है। और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है, जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है, क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है, जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर ट्रू फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर ट्रू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है, जो पूर्व पुलिस अधिकारी है, जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है, जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है। लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया, जो वास्तव में एक यहाँ पे मनोरोगी हत्यारा है, जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में।
आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है, जबकि धीरज जेल में है क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। टू का अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे, धीरज द्वारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है, जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डेट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उस टेप को बजाता है जिसे उसने रिकॉर्डिंग किया था। जब वो रेशमा को पर्दा डेट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रुकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिकताव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर टू फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो ये जो है यानी कि गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाले दिल गाने वाले दृश्यों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे इसी के साथ दोस्तों बता दें मर्डर टू फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टारकास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मलिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को एक प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था।
दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल, जो मल्लिका सरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो है संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मात्र यानी कि कर्तव्यों की उपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ जो है राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है यानी कि पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो है संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ में सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। इस स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पे लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है यानी कि शमशान घाट भी ले जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहां सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीठ में गोली मार दी जाती है, जो कि समय पर पहुंच जाता है और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा की तरह अदर्श ने फिल्म को 5/3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइनें थी। सबसे पहला नाम आता है अदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म
15 करोड़ की लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया। और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। अदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है। और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आसिन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अदिति राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवादास्पद फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है, तब ये विवाह की संस्था में थी जिसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ में सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मूवी की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा मर्डर 3 एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है।
इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर 3 यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर 3 में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते हैं उस वीडियो के बाद। एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीशा सेन गुप्ता सारा लोरेंस से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ जुड़े संबंधों से ईश्वर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया जब वह तय करती है कि उसके जो है पास इनके पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खोज सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और रोशनी की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें हैं जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर 2 फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर 2 फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है जो पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और
दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है। इसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है, लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया, जो वास्तव में एक यहाँ पे मनोरोगी हत्यारा है, जो लापता हुकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है, जबकि धीरज जेल में है, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था, लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे, धीरज द्वारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है, जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है, जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डेट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उसे टेप को बजाता है, इसे उसने रिकॉर्डिंग किया था। जब वो रेशमा को पर्दा डेट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रुकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिकताव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी, जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर टू फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की, जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई, और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो ये जो है यानी कि गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी, यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाले दिल गाने वाले दर्शकों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे
इसी के साथ दोस्तों बता दें, मर्डर 2 फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टार कास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है, ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मल्लिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में डॉफ किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल, जो मल्लिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मात्र यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ जो सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है की पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पे लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है कि शमशान घाट भी ले जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहां सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो है सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीठ में गोली मार दी जाती है, जो कि समय पर पहुंच जाता है। और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था।
बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइने थी। सबसे पहला नाम आता है अदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। अदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अदिति राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवाद सब फिल्म अर्थ के सक्षम में होने वाला है, तब ये विवाह की संस्था में थी, इसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में।
इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है, कुल मिलाकर मर्डर थ्री फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मोई की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा, मर्डर थ्री एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंड चाइनीजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर थ्री यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर थ्री में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते उस वीडियो के बाद एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वह निशा सेन गुप्ता सारा लोरेंस से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ जुड़े संबंधों से ईश्वर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है, क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया, जब वह तय करती है कि उसके जो है 5 इंच पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है, क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खोज सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है, लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और उसने की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें है जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है जो वास्तव में निशा से प्यार करता है।
इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है, जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर ट्रू फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर ट्रू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है जो पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है, जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है। लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को दिनेश पांडे के घर भेज दिया गया, जो वास्तव में एक यहाँ पे मनोरोगी हत्यारा है जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है, जबकि धीरज जेल में है क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे, धीरज धारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है, जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है, जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डेट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उसे टेप को बजाता है, इसे उसने रिकॉर्डिंग किया था। जब वो रेशमा को पर्दा डेट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रुकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिकताव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी, जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर टू फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने
असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की, जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई, और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी, यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें, हाल ही दिल गाने वाले दर्शकों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे इसी के साथ दोस्तों बता दें, मर्डर 2 फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टार कास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट में लिखा गया है, ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मलिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल, जो मलिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो है संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मातृ यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो है संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ जो सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है इनकी पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें ओद देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करते है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। इस स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पर लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है कि शमशान घाट भी जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहां सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी धारा जो है
स्पीड में गोली मार दी जाती है जो कि समय पर पहुंच जाता है और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा की तरह आदर्श ने फिल्म को 5/3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइने थी। सबसे पहला नाम आता है आदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। आदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए आदिति राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवाद सब फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है, तब ये विवाह की संस्था में थी जिसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें
तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करोड़ उत्साह के साथ में सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों कोई मोई की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा मर्डर 3 एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर 3 यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर 3 में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते उस वीडियो के बाद एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीषा सेन गुप्ता सारा लोरेन से मिलने जाते हैं और दोस्तों उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ जुड़े संबंधों से ईश्वर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है, यहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया जब वह तय करती है कि उसके जो है पास इनके पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खो सकती है, उसका ये डर है। आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और रोशनी की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें हैं जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है।
आगे दोस्तों वो अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है। और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर ट्रू फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर ट्रू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है जो पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है। लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया जो वास्तव में एक यहाँ पे मनोरोगी हत्यारा है जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है जबकि धीरज जेल में है क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे धीरज धारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डेट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उस टेप को बजाता है इसे उसने रिकॉर्डिंग किया था जब वो रेशमा को पर्दा डेट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रुकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया। लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिखराव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार
उसे गोली मार दी, जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर टू फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की, जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई, और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी, यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाल ही दिल गाने वाले दृश्य को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था आगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें मर्डर टू फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टारकास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट में लिखा गया है ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मल्लिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल, जो मल्लिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो है संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मात्र यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। कुछ समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ जो है राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो है संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ हुए सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो इनकी पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। इस स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पे लगा देती है। इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है यानी कि शमशान घाट भी ले जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए
उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है। यहाँ सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीठ में गोली मार दी जाती है जो कि समय पर पहुंच जाता है। और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो है फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5/3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में दो हीरोइनें थी। सबसे पहला नाम आता है आदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। आदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए आदिति राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी।
महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवादास्पद फिल्म आर्ट के सक्षम में होने वाला है। तब ये विवाह की संस्था में थी, इसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों, अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों, फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों, एक उत्कृष्ट कहानी है जो करोड़ उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों, विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों, कोमल नेहटा ने लिखा है, कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। जिसके बाद दोस्तों, कोई मुई की यहाँ पे रोशनी देवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए है और कहा है कि ये देखने लायक है। इसके बाद दोस्तों, NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया। रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा, मर्डर 3 एक थ्रिलर है जो जहर से तने के बीच जो है झूलती है, दर्शकों को बांधे रखने में काफी ज्यादा कामयाब होती है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि पैनाचे पैक किया है, अगर उन्हें अपने पैरों से नहीं हटानी है तो ये जो है सूत्र को थोड़ा सा बदल सकता और ये जो है मर्डर फ्रेंचाइजी के कामुक जो है घातक पर कुछ यानी कि हद तक सामने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों, लिखा गया कि एक यानी कि स्पष्ट रूप से मजबूत भावनात्मक जो है रेट का चयन किया गया फिल्म में और महिला पात्रों को सामान्य स्थान में अधिक जो है देखभाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद दोस्तों, अंत में अनुपमा चोपड़ा ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा है कि थोड़ी और कल्पना के साथ जो है मर्डर 3 यहाँ पे स्वादिष्ट रूप से अंधेरा हो सकता था, लेकिन Rediff.com के लिए यहाँ पे सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा है कि मर्डर 3 में काफी शानदार आपको अभिनय देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का। इसके साथ दोस्तों, बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विक्रम यानी कि रणदीप हुड्डा का है, जो एक हॉट शॉट फैशन और यहाँ पे वेन जीव फोटोग्राफर के साथ शुरू होती है फिल्म, जो अपनी प्रेमिका रोशनी अदिति राव हैदरी का एक वीडियो देखते हुए उसे बताते हैं कि वह उसे छोड़ रही है। विक्रम व्याकुल हो जाते हैं उस वीडियो के बाद। एक बार में अपने दुखों को दूर करते हुए वनीषा सेन गुप्ता सारा लोरेंस से मिलने जाते हैं और दोस्तों, उनके बीच एक रिश्ता शुरू होता है जहां निशा उस घर में आती है जिसे विक्रम रोशनी के साथ साझा कर रहा था। विक्रम रोशनी के लापता होने में एक संदिग्ध जो है बन जाता है। हालांकि यहां पे जांचकर्ताओं को रोशनी के लापता होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। विक्रम की भागीदारी के कोई भी सबूत नहीं मिलता है उनके लापता होने में। अंत में दोस्तों, ये पता चलता है कि ये घर एक ब्रिटिश महिला का है जो रोशनी को अपने पति को छुपाने के लिए बनाया गया था। एक गुप्त कमरा वहां दिखाया जाता है क्योंकि कोई उसकी तलाश करने के लिए आया था, क्योंकि वह 1947 के समय ब्रिटिश सेना में थे, जो कमरा एक अलग तरह से गुप्तचर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों, एक फैशन लेवल में ये भी दिखाया गया है कि विक्रम के अपने एक सहयोगी के साथ हुए संबंधों से ईश्वर्या करने वाली रोशनी ने ये नाटक करने का फैसला किया था कि वह उसे छोड़ रही है। वह ये कहते हुए कि वीडियो बनाती है कि वह गुप्त कमरे में छिपकर जा रही है, क्योंकि कमरे में कुछ एक तरफा जो है इनकी दर्पण है जहाँ पे वह विक्रम की प्रतिक्रिया देख सकती है। आगे दोस्तों लिखा गया, जब वह तय करती है कि उसके जो है 5 इनके पर्याप्त होते हैं तो बच सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाबी ढूंढती है और महसूस करती है कि उसने चाबी खो दी है और अब वह कमरे में फंस गई है और उसे संपर्क करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं मिलता है विक्रम को। इसके बाद दोस्तों, कहानी में निशा को दिखाया गया है। निशा को गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। निशा को अंत तक पता चलता है कि रोशनी घर में फंसी हुई है, क्योंकि रोशनी गुप्त कमरे में पाइपों पर टैप करके संवाद करने में सक्षम है। और जैसे ही निशा दरवाजा खोलने के लिए तैयार होती है, वह रुक जाती है और रोशनी को नहीं बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके बाद वह विक्रम को खो सकती है, उसका ये डर है।
आगे दोस्तों निशा अपने फैसले के साथ संघर्ष करती है, लेकिन जब यहाँ पे जांचकर्ता निशा को कुछ जो छवियों वाला एक पैकेज देते हैं तो वह दरवाजा खोलने और रोशनी की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दोस्तों निशा यहाँ पे गुप्त कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है तो रोशनी को देखा जा सकता है कि रोशनी निशा को चौंका देती है और वहाँ पे कांच की बोतल से उसे बाहर निकाल देती है और निशा को कमरे में बंद कर देती है। आगे देखने को मिलता है रोशनी के गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वह छवियों और पैकेजों को देखती है जो कि विक्रम और उसके सहयोगी की तस्वीरें हैं जो उसे जो है चकराचूर कर रही है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। आगे दोस्तों वह अपने सहयोगी के साथ विक्रम की उस तस्वीर को शीशे पर छोड़ देती है और विक्रम को ये दिखाने के लिए कि अपना हार भी वहाँ चिपका देती है कि वह बाहर आ चुकी है और फिर वह कमरे की चाबियां जो है पे जांचकर्ताओं को भेजती है जो वास्तव में निशा से प्यार करता है। इसके बाद दोस्तों जांचकर्ता टीम और विक्रम को गिरफ्तार कर लेते हैं जबकि निशा कमरे में फंसी हुई है क्योंकि विक्रम और जांचकर्ता दोनों को कमरे और चाबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अंतिम दृश्य में रोशनी को उसकी और विक्रम की तस्वीर को यहाँ पे फाड़ते हुए दिखाया गया है और अकेले एक कार में एक राजमार्ग सड़क पर जाते हुए दिखाया गया है जो तबाह और गिरफ्तार हो जाता है विक्रम फिल्म के अंत में। इसके अलावा दोस्तों मर्डर ट्रू फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो मर्डर ट्रू फिल्म में दिखाया गया है अर्जुन भागवत एक पैसे का भूखा इंसान है जो पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कि अपराध करने में शामिल है। एक यहाँ पे नास्तिक है, वह अनाथों को पैसे दान करने के लिए नियमित रूप से चर्च जाता है। उसका एक मॉडल प्रिया के साथ यौन संबंध भी बना हुआ है फिल्म में। इसी बीच दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक गैंगस्टर और दलाल समीर शेखर है। समीर शेखर शुक्ला के साथ अपनी जो है यहाँ पे वेश्याओं के स्पष्ट गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए एक सौदा करता है। जांच के दौरान अर्जुन को लापता लड़कियों से जुड़ा एक फोन नंबर मिला। वह समीर से उस नंबर पर एक वेश्या भेजने के लिए कहता है। समीर व्यवसाय में कॉलेज में यहाँ पे नवागंतुक रेशमा को भेजने का फैसला करता है जिसने अपने परिवार को खिलाने के लिए इस काम को चुना है, लेकिन दोस्तों ये बात उसने गुप्त रखी है। रेशमा को धीरज पांडे के घर भेज दिया गया जो वास्तव में एक यहाँ पे मनरोगी हत्यारा है जो लापता होकारों को यहाँ पे पर्दा डेट करने और मारने के लिए जिम्मेदार है। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि वह यहाँ पे रेशमा के साथ भी व्यवसाय करने की कोशिश करता है फिल्म में। आगे दोस्तों फिल्म में अर्जुन को पता चलता है कि धीरज हत्यारा है और पुलिस को सूचित करता है जबकि धीरज जेल में है क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर और उसका जो है कबूलनामा निकालने के लिए एक यहाँ पे मनोचिकित्सक को बुलाया गया है। धीरज जो है डॉक्टर से कहता है कि वह महिलाओं को इसलिए मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पुरुषों का फायदा उठाती है। धीरज अंत तक जो है यहाँ पे निर्मला पंडित के प्रभाव में रिहा हो गया। इस बीच दोस्तों रेशमा जो है कुएं से भाग जाती है और जंगल के रास्ते अपना लेती है फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है टू का। अर्जुन धीरज के परिवार से मिलता है और परिवार बताते हैं कि धीरज अपनी पत्नी को पीटता था। आगे उसकी मुलाकात एक निजी नर्तकी सोनिया से होती है फिल्म में। इसे भी यहाँ पे धीरज ने पर्दा डेट किया था लेकिन वह भागने में सफल रही। अर्जुन फिर एक मूर्ति निर्माता से मिलता है जो धीरज के साथ काम करता था। निर्माता उसे बताते हैं कि धीरज जो है देवताओं के बजाय जो है शैतानों की मूर्तियां बनाता था और उसे रोकने की कोशिश करने वाले कारखाने के मालिक को मार डालता था। इंस्पेक्टर सदा सुधांशु पांडे अर्जुन को सूचित करते हैं कि धीरज जो है मुक्त है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है निर्मला और धीरज उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां जो है रेशमा छिपी हुई है। निर्मला और यहां पे पुजारी जो दोनों धीरज के वास्तविक जो है इनके स्वरूप से अनजान थे, धीरज द्वारा जो है मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पुजारी ने खुलासा नहीं किया कि रेशमा भी वहाँ है जो धीरज को डरी हुई रेशमा मिलती है जो उसे देखकर डर के मारे जो है पेशाब कर देती है और धीरज फिर जो है यहाँ पे बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अर्जुन और पुलिस के आने से ठीक पहले वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन रेशमा का शरीर पाता है और टूट जाता है और दोषी महसूस करता है और उसकी जो है मौत के लिए जिम्मेदार भी वो अपने आप को मानता है। आगे दोस्तों धीरज जो है प्रिया को निशाना बनाता है जिसे वह फोटो शूट के लिए बुलाता है और पर्दा डेट करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। धीरज को लड़ाई में यहाँ पे उलझाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी दिखाते हैं कि अर्जुन से धीरज को नहीं मारने का अनुरोध किया गया है।
फिर दोस्तों यहाँ पे धीरज उस टेप को बजाता है इसे उसने रिकॉर्डिंग किया था। जब वो रेशमा को बर्ता डेट करता था तो रेशमा की यहाँ पे गिड़गिड़ाहट जो है सुनकर अर्जुन उसकी मौत से परेशान हो गया था और उसके लिए खुद को जो है दोषी ठहराते हुए इंस्पेक्टर सदा धारा जो है रुकने तक जो है धीरज पर कई बार जो है उसने हमला किया, लेकिन रेशमा के रोने के रूप में धीरज की यहाँ पे पेशाब किया यानी पेशाब बिखराव को देखने के बाद जो है सदा ने आखिरकार उसे गोली मार दी जिससे उसका अंत हो गया। एक बार सभी के लिए अंत का शासन देखने को मिला। जैसे ही फिल्म जो है समाप्त होती है तो अर्जुन प्रिया के साथ एक चर्च जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भगवान में विश्वास था और प्रिया की निकट जो है मृत्यु ने उसे उसके प्रति जो अपने प्यार का एहसास करवा दिया। और दोस्तों मर्डर टू फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई और गोवा में हुई थी ज्यादातर। इससे पहले दोस्तों बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है मोहित सूरी ने असिन भेट्टू मक्कल को प्रमुख भूमिका की पेशकश की जिन्होंने महिला प्रधान की भूमिका को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं समझा और भूमिका को अस्वीकार किया। फिर उन्होंने इसके बाद ये भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर की। हालांकि अभिनेत्री जो है सोनल चौहान पर भी विचार किया गया था। मुख्य भूमिका को अस्वीकार करने के बाद यहाँ पे बासु को आइटम नंबर में लिया गया और पेश की गई और जब उसने जो है फिर से जो है मना कर दिया तो गुप्त को भूमिका की पेशकश की गई थी यानी गुप्ता को ये भूमिका दिया गया था। और आपको बता दें हाले दिल गाने वाले दृश्यों को टेलीविजन जो है प्रमोज में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे आंशिक रूप से जो है फिल्म को दिया गया था। आगे इसी के साथ दोस्तों बता दें मर्डर टू फिल्म को 2 अप्रैल 2004 को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त देखने को मिला था। इसके बावजूद दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया से सुपरहिट का दर्जा अर्जित करते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अत्यधिक जो है सफल उद्यम बनने में कामयाबी रहा। और दोस्तों फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं के साथ जो है काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी स्टार कास्ट ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा गया है ये फिल्म अपने प्रमुख अभिनेताओं विशेष रूप से हाशमी और इस फिल्म के अंदर मल्लिका शेरावत के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसे अपने कामुक जो है विषय और यहाँ पे दृश्यों के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड से एक जो है प्रमाण पत्र मिला और फिल्म को ये प्रमाण पत्र मिला है और फिल्म को कॉर्नर में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट में सिमरन जो है सहगल जो मल्लिका शेरावत जो है सुधीर सहगल के साथ जो है अस्मित पटेल से शादी करने वाली एक युवा महिला है जो काम में डूबी रहती है। इसकी शादी पहले सिमरन की बड़ी बहन सोनिया से हुई थी। सुधीर और यहाँ पे सोनिया के बेटे को माँ जैसा प्यार देने के लिए ही सिमरन ने सुधीर से शादी की थी। वह एक दुखी अकेला और यहाँ पे जुनून रोहित रहता है क्योंकि वैवाहिक जीवन में वो जीता है और यहाँ पे गलती से अपने पूर्व प्रेमी सनी देवा यानी कि इमरान हाशमी से मिलने के बाद वह उसके साथ जो संबंध बनाने का फैसला करती है। इसके बाद दोस्तों अफेयर उसके जीवन को निगलने लगता है और सिमरन खुद को जो है लगातार अपने पति से झूठ बोलती है और अपने मात्र यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करती है। उस समय बाद दोस्तों वह जो है रिश्ता खत्म करने का फैसला भी करती है लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि सनी एक साथ राधिका नाम की एक अन्य महिला को भी देख रहा है। वह अपने बेवफा कृत्य पर जो है इनकी पछतावा करती है और सनी के साथ सभी जो संबंध तोड़ने लगती है। इस बीच दोस्तों सुधीर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और यहाँ पे सिमरन का पता लगाने के लिए एक जासूस को काम पे रखता है। जासूस सुधीर को सनी और सिमरन की सेक्स करते हुए और एक साथ जो सोते हुए तस्वीर उपलब्ध करने में सक्षम है और वह सुधीर को बताता है कि सनी एक सीरियल यानी कि युवराज है जिसकी कई जो है इनकी पूर्व गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इस तरह की खबरें वो देता है। आगे दोस्तों कहानी में और भी कई ज्यादा ट्विस्ट है। अगले दिन सनी अचानक जो है लापता हो जाता है क्योंकि पुलिस सुधीर और यहाँ सिमरन के घर आते हैं और उसकी प्रेमिका राधिका धारा जो है दर्ज की गई रिपोर्ट पर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। सिमरन सुधीर की सभी चीजों के बीच जो है अपनी और सनी की तस्वीर के सामने आती है और महसूस करती है कि सनी के लापता होने से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। सुधीर ने खुलासा किया था कि वह अफेयर के बारे में बात करने के लिए सनी के अपार्टमेंट में गया था। दोनों में यहाँ पे बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सुधीर ने सनी को बुरी तरह से पीटा और यहाँ पे दहशत में बदल गया। स्थिति में अपनी गलती और भूमिका को महसूस करते हुए सिमरन जो है सुधीर का समर्थन करने लगती है और सनी को मारने का दोष उस पे लगा देती है।
इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास जो विकसित हो गया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जबकि उसी समय जो है सुधीर का दावा यह है कि उसने ही सनी की हत्या की, जो पुलिस को भ्रमित करता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह शव जो है कि शमशान घाट भी ले जाकर गायब कर चुका है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बाद अचानक जो है परिवर्तन में सनी को जिंदा दिखाया गया और ये पता चलता है कि अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को लड़ाई के लिए उकसाने तक की पूरी स्थिति को राधिका की मदद से सनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को कैद कर लिया जाएगा ताकि वह सिमरन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख सके। सनी सिमरन को अलग करती है और जंगल में उसका पीछा करता है, जहां सुधीर आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी जैसे ही युगल को एक साथ देखता है, एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास करता है। हालांकि सनी फिर एक रेक के साथ जो सुधीर के पीछे भागती है, लेकिन फिर एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो है पीठ में गोली मार दी जाती है, जो कि समय पर पहुंच जाता है। और अंत में यहाँ पे सुरक्षित होकर सुधीर और सिमरन जो फिर से मिल जाते हैं और अपने बेटे के देखभाल के लिए एक साथ वो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, मर्डर को भारत में फिल्म समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया अच्छी मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरह आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिया था रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं लाजवाब अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म को 15 फरवरी 2023 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी की बजट के बारे में, तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो के रूप में रणदीप हुड्डा थे। हीरोइन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, फिल्म में दो हीरोइनें थी। सबसे पहला नाम आता है आदिति राव हैदरी का, दूसरा नाम आता है सारा लोरेन का। इन दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ दोस्तों, बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों, विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और अमित बी मसरूकर ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों, इन दोनों लोगों ने फिल्म की कहानी को लिखा, इसकी वजह से उम्मीद था कि ये फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की ही उतना कमाई करेगा, लेकिन दोस्तों फिल्म ने ठीक ठाक कमाई किया। फिल्म 15 करोड़ के लागत में बनाया गया था तो फिल्म ने 27 करोड़ रुपए की कमाई किया और दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म ने उतना ज्यादा कमाई नहीं किया। ये फिल्म अगर 40 करोड़ तक कमाई कर लेता तो ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हो सकती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, महेश भट्ट और उनके अलावा मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, फिल्म को विशाल फिल्म द्वारा बनाया गया था और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार द्वारा। 15 फरवरी 2013 को ये मूवी हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म में रणदीप हुड्डा विक्रम के रूप में अभिनय किए हैं। आदिति राव हैदरी के बारे में हम बात करें तो रोशनी के रूप में फिल्म में अभिनय की है। सारा के बारे में हम बात कर ले तो सारा लोरेन फिल्म में निशा सेनगुप्ता के रूप में फिल्म में अभिनय किया है। साथ ही साथ दोस्तों, राजेश के बारे में हम बात कर ले तो कबीर पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्होंने फिल्म में अभिनय किया है। और दोस्तों, फिल्म आपको एक अलग कहानी दिखाता है, फिल्म में आपको एक अलग ही मजा आता है इस मूवीज को देखने का। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, मर्डर 3 फिल्म 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म मर्डर फिल्म श्रृंखला में तीसरी किस्त है और साथ ही साथ दोस्तों, 2011 की फिल्म मर्डर 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करता है। इस मूवी को विशेष भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया और विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया। ये फिल्म श्रृंखला में हम बता दें, श्रृंखला की तीसरी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो है कोलंबिया थ्रिलर द हिडन फेस का आधिकारिक रिमेक बताया जाता है। मर्डर 3 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 15 फरवरी को रिलीज किया गया था 2013 में। और दोस्तों, रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को देखने के बाद फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो मुंबई और गोवा में शूट की गई है। ज्यादातर इससे पहले बिपाशा बासु को प्रमुख महिला की भूमिका की पेशकश की गई थी। महिला भूमिका के लिए बिपाशा बासु के पास ऑफर दिया गया था, उनके पास गए थे फिल्म के निर्माता, लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मोहित सूरी ने आशीन के साथ बात की थी। इसके बाद दोस्तों, प्रमुख भूमिका की पेशकश जो है महिला प्रधान की भूमिका के लिए पर्याप्त जो शक्तिशाली समझ और भूमिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, ये जो है भूमिका जैकलिन फर्नांडिस को ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों उनके तरफ से भी फिल्म में अभिनय करने के लिए इनकार आया। इसके बाद दोस्तों, इस फिल्म में अभिनय करने के लिए
आदित्य राव हैदरी से तब बात किया गया और दोस्तों उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए फट से तैयार हो गई। और दोस्तों ये फिल्म उन्हीं के साथ बनाया गया है, जो आप इस फिल्म में उनको देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी में काफी जबरदस्त आपको थ्रिलर देखने को मिलता है, क्योंकि फिल्म की कहानी वैसे काफी शानदार तरीके से लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। क्या रीजन है इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट में ज्यादा खास चीजें नहीं लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, फिल्म की शूटिंग केप टाउन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका और गोवा भारत में हुई थी। महेश भट्ट ने कहा था कि मर्डर 3 2013 की उनकी 1983 की विवादास्पद फिल्म अर्थ के सक्षम में होने वाला है। तब ये विवाह की संस्था में थी, इसे जो है तोड़ दिया गया बाद में। इसे लेके 30 साल बाद मर्डर 3 प्यार को तोड़ती है और आज की रिश्ते के अपराधों की दुनिया में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है फिल्म। लेकिन दोस्तों अब जबकि हमारे पास फिल्म द हिडन फेस के आधिकारिक अधिकार थे, उन्होंने कहा हम इसे न्याय करने और मर्डर फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे काम किया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि मर्डर 3 को आलोचक से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली है। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार अंक दिए और कहा था कि मर्डर 3 विशेष फिल्म से बाहर आने वाली बेहतरीन थ्रिलर मूवी में से एक है। इसके अलावा दोस्तों एक उत्कृष्ट कहानी है जो करुण उत्साह के साथ भी सुनाई गई है फिल्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों विशेष भट्ट ने अपने पहले ही प्रयास में एक सीमा पर काम कर लिया है बताया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने इसे 5 में से 3 स्टार अंक दिए और जबकि टिप्पणी किया है कि ये कोई खूनी वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे देखे। इसकी वजह से दोस्तों कोमल नेहटा ने लिखा है कुल मिलाकर मर्डर 3 फिल्म एक उचित जो है मनोरंजन फिल्म है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है मर्डर 3 फिल्म को फिर से। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। बता दें दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो 15 फरवरी 2013 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। इस मूवी के बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और मूवी ने दुनिया भर में 27 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो रणदीप हुड्डा हीरो थे फिल्म में, अदिति राव हैदरी हीरोइन थी और सारा लॉरेन फिल्म में अभिनेत्री थी। इन दोनों अभिनेत्री ने इस फिल्म में एक साथ अभिनय किया था। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो विशेष भट्ट ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी महेश भट्ट और अमित भी सर ने लिखे थे। और दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।